हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बेबी पोटैटोज की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बड़ा ही यूनिक रेसिपी है, स्टाइल में बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इसे हम स्टार्टर के रूप में या कभी भी टी टाइम हो, इवनिंग टाइम हो, तो हम इसे बना के खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की अगर बेबी पोटैटोज की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम बेबी पोटैटोज बनाना शुरू करते हैं। बेबी पोटैटोज बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है, पोटैटो यानी कि छोटा वाला आलू, इसे हमने साफ करके प्रेशर कुकर में पानी के और नमक के साथ बॉयल कर लिया है। फिर हम छिलके हटा लिए हैं। तो इसे बॉयल करते टाइम सावधानी रखना है, आलू को ज्यादा गलने नहीं देना है, थोड़ा हार्ड ही रखना है। ब्लैक पेपर, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच मैदा, 1 चम्मच चावल का आटा, रेड चिल्ली पाउडर, सॉल्ट, सोया सॉस, व्हाइट विनेगर, ग्रीन चिल्ली सॉस, रेड चिल्ली सॉस, टोमेटो केचप, 1 मीडियम साइज कैप्सिकम को हमने पेटल शेप में काट लिया है, 2 चम्मच हम गार्लिक को बारीक काट लिए हैं, 4 चिल्ली को हमने बारीक काट लिया है, 1 मीडियम साइज ऑनियन को हमने पेटल शेप में काटा है, 1 ऑनियन को बारीक काट लिए हैं, स्प्रिंग ऑनियन का हम ग्रीन पार्ट काट लिए हैं, थोड़ा सा हम फूड कलर यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम रेड फूड कलर लिए हैं, ये ऑप्शनल है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। हम एक बड़ा सा बॉल लेंगे और उसमें आलू को हम एक फोक की मदद से ऐसे ऐसे गोंद लेंगे, या तो आप टूथपिक से भी गोंद सकते हैं। इससे क्या होता है, पोटैटो के अंदर अपना ग्रेवी जो है अच्छे से जाता है और खाने में टेस्टी लगता है। तो हम ऐसे ही सभी पोटैटोज को फोक से गोंद लेंगे। तो हमने सभी पोटैटोज को ऐसे गोद लिया है। अब हम इसमें मसाला मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए। 1 चम्मच हम ब्लैक पेपर डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच हम इसमें चिल्ली पाउडर डालेंगे, क्योंकि पोटैटो जो है स्पाइसी ही बहुत टेस्टी बनता है। अब हम इसमें 2 चम्मच चावल का आटा डालेंगे। 2 चम्मच मैदा डालेंगे। आपको थोड़ा ज्यादा या कम की जरूरत पड़े तो डाल सकते हैं। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को हम चम्मच के सहारे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे पोटैटो पे अच्छे सारी कोटिंग हो जाए। अब ध्यान से देखिए कितना बढ़िया पोटैटो पे सारे स्पाइसेस की कोटिंग हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच व्हाइट विनेगर। अगर यहाँ पे व्हाइट विनेगर ना हो तो आप नींबू का रस डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा व्हाइट विनेगर डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ऐसे आप टॉस भी कर सकते हैं। टॉस करने से नीचे से कॉर्नफ्लोर, चावल का आटा, मैदा सब ऊपर आ जाता है और अच्छे से पोटैटो में लिपट जाता है। अब हम पोटैटोज को 5 मिनट कवर करके रख देंगे। इससे क्या होगा, नमक में से आलू के साथ जो मॉइस्चर निकलेगा उसमें अपने स्पाइसेस जो है अच्छे से लिपट जाएगा। 5 मिनट हो चुके हैं। हम कवर को हटा के एक बार अपनी
बेबी पोटैटो चेक करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, जो ड्राई था वो हल्का हल्का गीला गीला दिख रहा है। तो अब हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पे हमने तेल गरम होने के लिए रख लिया है। अब हम उसमें एक पोटैटो डाल के देखेंगे तेल अपना अच्छे से गरम हुआ है कि नहीं। तो हम धीरे से एक आलू छोड़े, देखिए इसमें कोटिंग कैसे लिपटा हुआ है, फैल नहीं रहा है। तो अब हम इस स्टेज पे सारे पोटैटो डाल देंगे एक एक करके, एक बार में जितना आ सके उतना आप डालिए। तो स्टार्टिंग में तो हम तेल फ्लेम पे उबालेंगे, बाद में हम थोड़ा सा स्लो करके इसे क्रिस्पी करेंगे। एक साइड से 2 मिनट तक हम सिकने देंगे। अब हम एक फोक की मदद से एक-एक पोटैटोज को ऐसे उलटना शुरू करेंगे। तो ये उबला हुआ आलू है, इसे पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, केवल हमें इसे ऊपर की परत को क्रिस्पी करना है। तो हम मीडियम फ्लेम पे इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। अब ध्यान से देखिए, हमने 5 मिनट तक पोटैटोज को अच्छे से फ्राई किया है, इसमें से आवाज आने लगा है, ये क्रिस्पी हो चुका है। तो हम छड़नी की मदद से ऐसे इसे निकाल लेंगे और एक प्लेट पे हम टिश्यू पेपर रख के उस पे इसे रखते जाएंगे। तो ऐसे हम पोटैटोज को निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस से हम दूसरे प्रोसेस से हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो हम धीरे धीरे एक एक पोटैटोज को छोड़ देंगे। एक साइड से 2 मिनट सीखने के बाद हम इसे एक पॉइंटेड स्पेचुला हो या फोक हो, जो आपके पास अवेलेबल हो, उससे इसे स्टर करते रहिए, नहीं तो नीचे वाली परत जो है वो ज्यादा सिक जाएगी और ऊपर वाला जो है वो कच्ची रह जाएगी। तो हम फोक से ही इसे पहली बार चला रहे हैं, बाद में हम छड़नी से इसे निकाल लेंगे। एक बैच फ्राई करने में हमें 5 मिनट लग रहा है, थोड़ा सा फ्लेम इधर उधर हो तो उसमें आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अपना दूसरा बैच भी फ्राई हो चुका है, इसका कलर देखिए कितना बढ़िया आया है और ये क्रिस्पी भी लगने लगा है। तो हम इसे झड़ने से छान छान के इसी प्लेट में निकाल लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम 5 मिनट तक फ्राई कर रहे हैं, तो अपनी पोटैटोस तैयार हो जा रही है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। अब हम गैस पे एक फ्राई पैन रखे हैं और उसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिए हैं। गैस को हम ऑन कर लेंगे और तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल को हम ऐसे फैला देंगे जिससे पैन में चारों तरफ चिकनाहट फैल जाए। गैस का फ्लेम हम फास्ट ही रखेंगे। तेल गरम हो चुका है तो हम सबसे पहले बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे और इसे हम कुछ सेकेंड के लिए रोस्ट कर लेंगे। हमें ब्राउन नहीं करना है, जस्ट इसकी कच्चापन दूर करनी है। अब हम डालेंगे ग्रीन चिल्ली जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया था। बारीक कटा हुआ ओनियन,
घी पे हम आधा मिनट तक तेज फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज भून चुका है, अब हम इसमें डालेंगे पेटल शेप वाली प्याज, कैप्सिकम, और इसे हम आधा मिनट तक फ्राई करेंगे। हमें ज्यादा इसे गलने नहीं देना है, इसका कच्चापन दूर करना है। सब्जी में हमें क्रंच रखना है, तो हम इसे चलाते हुए इसका कच्चापन दूर करेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे, तो नमक हमने फ्राई करते टाइम ही डाला था, तो अंदाज से हम इसमें नमक डालेंगे। साथ में हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस, एक चम्मच ग्रीन चिली सॉस, एक चम्मच हम सोया सॉस डालेंगे। इस स्पाइस को कवर करने के लिए हम यहाँ एक चम्मच टोमेटो केचप डालेंगे। व्हाइट विनेगर हमने मेरीनेट में डाला था, इसके लिए एक ही चम्मच हम इसे डालेंगे। और सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान से देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है। कैप्सिकम, ओनियन सबको सॉस के साथ अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जिस बर्तन में हमने आलू मैरिनेट किया था उसमें कुछ कॉर्नफ्लोर बचे हुए थे, उसी का हमने घोल बनाया है। आपके पास अगर नहीं बचता है तो दो चम्मच कॉर्नफ्लोर में चार चम्मच पानी डाल के एक बढ़िया सा घोल बना लीजिए और इसी में डाल दीजिए और इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। अच्छे से हम दो मिनट तक इसे पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे फूड कलर, तो ऐसे हम एक पिंच फूड कलर डाल रहे हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको गाढ़ी ग्रेवी चाहिए तो पानी कम डालिए, अगर पतली चाहिए तो पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए। हमें अच्छे से सॉस को पका लेना है। फूड कलर डालने के बाद हमने सॉस को अच्छे से मिक्स करके पका लिया है। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किया हुआ बेबी पोटैटोस, तो यहाँ हम इसको डाल देंगे। आप सुन सकते हैं अभी भी क्रिस्पी है अपनी पोटैटोस, और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधा मिनट तक हम मिक्स करते हुए पकाएंगे, जिससे अच्छे से कोटिंग हो जाए और अंदर तक सॉस भी चला जाएगा। तो अपनी पोटैटोज में सॉस की कोटिंग परफेक्ट हो चुकी है। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे इस तीन ओनियन का ग्रीन पार्ट, तो हम आधा ओनियन अभी डाल दे रहे हैं, आधा से ज्यादा ही डाल रहे हैं, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए हम बचा लिए हैं, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर लेंगे और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए कितनी बढ़िया बेबी पोटैटोज बनकर तैयार हुई है। अब हम गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे, तो हम एक प्लेट में इसे सर्व करेंगे। अब ध्यान से देखिए कितनी बढ़िया अपनी पोटैटोज की रेसिपी तैयार हुई है। अब हम थोड़ा सा स्प्रिंग ओनियन से गार्निशिंग करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए कितनी बढ़िया बेबी पोटैटोज बनकर तैयार हुई है। इसे आप स्टार्टर के रूप में कभी भी सर्व कर सकते हैं या टी टाइम पे भी बना सकते हैं। तो अगर आज की मेरी ये चाइनीज स्टाइल में बेबी पोटैटोज की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।